हेलो माय लवली स्टूडेंट दिस इज मानसी वेलकम बैक टू दी चैनल अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना सर्कल्स की सो एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे अगर आप सिलेबस से कंपेयर करोगे तो बहुत सारे रिडक्शन कम हो गया आपका ये चैप्टर सो एक्सरसाइज में सिर्फ दो क्वेश्चन है हमारे पास पहला क्वेश्चन है रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रेंट इफ दे हैव द सेम रेडियो तो हमें पता है दो सर्कल कॉन्ग्रेंट कब होते हैं जब उनकी रेडियस सेम होती है एंड हमें क्या करना है

अरे राजा सो so, इस सेंटर से अगर मैं सेम 2.5 का मतलब 2.5 रेडियस का एक सर्कल बनाती हूँ इस तरीके से बनेगा ठीक है तो अब यहाँ पे इन दोनों की रेडियस सेम है मतलब ये दोनों सर्कल्स क्या है कॉनग्रेंट सर्कल्स है हमें प्रूव क्या करना है बेटा क्वेश्चन में हमें प्रूव ये करना है कि अगर कॉन्ग्रेंट सर्कल की जो कॉड है ये एक है बेसिकली सो so, ये जो कॉड है हमारी जैसे एक कॉड ये हो गई एक कॉड ये हो गई अगर ये कॉड इक्वल है मतलब अगर ए बी इक्वल है हमारा इस कॉड का नाम दे देते हैं सी डी के ठीक है इसको इसका सेंटर पॉइंट ओ ले लेते ले हैं ले इसका ओ डैश ले लेते हैं ठीक है ठीके? तो क्या बताना है हमें कि अगर इनका जो वो है कॉड है अगर वो इक्वल है तो वो इक्वल एंगल्स अपटेंड करेंगे सेंटर पे तो मतलब ये जो ए बी है ये जो सेंटर पे एंगल बनाएगी वो इक्वल होगा सीडी जो अपने सर्कल के सेंटर पे एंगल बनाएगी ठीक है अब इसको पहले तमीज से लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है सो so, गिवन है हमें कि इन दोनों सर्कल की कॉर्ड इक्वल है मतलब AB बी इक्वल है CD के ठीक है ये हमें गिवन है हमें प्रूफ क्या करना है हमें प्रूफ करना है कि हमारा ये जो एंगल है इसको वन टू नेम दे दूँ ऐसे भी लिख सकते हो आप वैसे तो एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डैश डी बट यहाँ पे वन और टू लिख देते हैं तो क्या प्रूफ करना है एंगल वन इक्वल है एंगल टू के ठीक है ये हमें प्रूफ करना है अब देखो अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को प्रूफ कर दूं कि ये कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स है तो बाय सी मैं कह पाऊंगी कि एंगल्स इक्वल होंगे अब प्रूफ करना देखो कितना ईजी है ये सर्कल की रेडियस है ओ ठीक है ये यहाँ पे इस ट्राइंगल की बात करें तो ओ भी सर्कल की रेडियस है दोनों इक्वल होंगे भाई ये सो ओबी हमारी ओ डैश डी के इक्वल होगी क्योंकि वो भी रेडियस है, तो तो है, तो है।, so, है ये भी रेडियस है एंड क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो कॉड ए बी है ये कॉड सी डी के बराबर है तो तीनों चीजें तीनों साइड हमें मिल गई तो हम कह पाएंगे कौन स्टार्ट करते हैं अपना प्रूफ सो वी हैव इन ट्राइंगल ए बी एंड ट्राइंगल सी ओ डैश डी अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स की बात करें तो देखो पहली चीज ये ओ ए जो है इक्वल है ओ डैश सी के एंड हमारा ओ बी जो है इक्वल है ओ डैश डी के रीजन साथ साथ लिखेंगे क्या है ये रेडियस है ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल आर इक्वल ऐसे करके लिख देना पूरा अब उसके बाद ए बी इक्वल है हमारी सी डी के ये हमें क्वेश्चन में गिवन है बोला ना उन्होंने कि भैया कॉर्ड तुम्हारी दोनों इक्वल है तो तीन चीजें मिल गई तीन साइड्स मिल गई हमें सो आई कैन इज़ली से ट्राइंगल ए बी इज कॉन्गरेट टू ट्राइंगल सी ओ डैश डी By कौन सी कॉन्ग्रेंसी ट्रिपल एस कॉन्ग्रेंसी रूल तीनों साइड्स वाला ठीक है तो दोनों हमारे ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है सो आई कैन से एंगल वन मेरा इक्वल होगा एंगल टू के बाय सी पी सी टी सी पी सी टी मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल आर इक्वल सो सी पी सी टी से मेरी ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए यही हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था सिंपल सा क्वेश्चन था चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर टू Now the question says prove that if chords of congruent circles subtend equal angles at their center, then the chords are equal. So यहाँ पे देखो हमें क्या बोला है उसका उल्टा बोल दिया कि आपके यहाँ पे वो पहले हमें chords equal दे रखी थी angle equal prove कर दा वो कह रहे equal angle है prove करो कि chords equal है फिर से simple होने वाला है मान लो ये center लिया मैंने यहाँ से बनाया एक circle अगेन 2.5 का बना रही हूँ मैं इसी तरीके से एक और सेंटर लिया और यहाँ से बना दिया मैंने 2.5 का इस तरीके से ठीक है अब ये दो हमारे कॉन्ग्रेंट सर्कल्स आ गए आप इस बार हमें क्या दे रखा है पहले दो कॉर्ड्स बना लेते हैं सो so, यहाँ पे हमने एक कॉर्ड ये बना ली इस बार ये नहीं दे रखा कि ये कॉड्स इक्वल है इस बार क्या बोला है कि ये जो कॉड्स एंगल बना रही हैं वो इक्वल एंगल बना रही हैं सो so, ये हो जाएगा हमारा इसीलिए मैंने इंट्रो में ज्यादातर प्रूफ आपको कराए नहीं थे बिकॉज आगे क्वेश्चंस में ये चीज प्रूफ करने के लिए खुद ही आ रखी है सो ये हो गया हमारा एंगल और ये हो गया नेम देते हैं इसको ओ डैश दे देते हैं सेम इसको, o, इसको, o दे है। Same, इसको A, नाम दे देते हैं और इसको सी डी नाम दे देते हैं ठीक है भाई सो so, अब इस बार गिवन क्या है हमें वी आर गिवन दैट कि जो हमारा फिर से नाम दे दू वन और टू मतलब एंगल बेसिकली एंगल ओ जो वन है और एंगल ओ डैश जो टू है ये दोनों इक्वल है ये हमें गिवन है हमें प्रूफ क्या करना है बच्चे इस बार हमें प्रूफ करना है कि ये जो कॉड ए बी है ये इक्वल है कॉड सी डी के ये हमें करना है अगेन आप प्रूफ स्टार्ट करोगे देखो अब यहाँ पे क्या क्या मिलेंगे आपको चीज़ें फिर से ये रेडियस है कॉन्ग्रेंट की ये भी मतलब इक्वल होगी ये ओ बी ओ डैश e, डी के इक्वल होगी अब इस बार ये एंगल दे दिया तो एंगल वन टू ले लेंगे दो साइड इंक्लूडेड एंगल एस ए एस से दोनों हमारे कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो जाएंगे सो so, प्रूफ में स्टार्ट करेंगे इन ट्राइंगल ए बी एंड ट्राइंगल सी ओ डैश डी ये दोनों हमारे पास अगर ट्राइंगल है तो देखो इसमें क्या क्या है हमारे पास है ओ ए जो कि इक्वल है ओ डैश सी के एंड ओ बी जो इक्वल है ओ डैश डी के इसके अलावा एंगल वन इक्वल है एंगल टू के सो तीन चीजें मिल गई ऑल्सो यहाँ लिखेंगे ये हमें गिवन था बिटा और ये हमारी रेडियस थी ठीक है लिख देना रेडियस ऑफ कॉन्वेंट सर्कल आर इक्वल ठीक है तो ये चीजें मिल गई नाउ आई कैन से ट्राइंगल ए बी इस कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सी ओ डैश डी ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे कॉन्ग्रेंट आ गए एंड कैसे कॉन्ग्रेंट आए हैं बाय एस ए एस कॉन्ग्रेंसी सो एस ए एस कॉन्ग्रेंसी से हमारे ये कॉन्ग्रेंट हो गए अब हम लिख सकते हैं कि हमारा जो ए बी है वो इक्वल होगा सी डी के बाय सी पी सी टी सी पी सी टी की हेल्प से हम कह सकते हैं कि ये दोनों हमारी जो कॉर्ड्स हैं वो इक्वल होंगी सो so, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर टू इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज नाइन पॉइंट वन होती है खत्म अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज बट इन दी नेक्स्ट सेशन, सो सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो टेक एंड बाय